आज मैं आप लोगों के साथ कटहल का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं कटहल का अचार कैसे बनाती हूं। साथ ही साथ मैं आपको इसमें दो विधि बताऊंगी, आपको अगर यह अचार तुरंत खाना है तो आप इसे कैसे बनाएं, और साथ ही साथ इसको आपको अगर सालों साल तक स्टोर करके रखना है जिससे ये अचार बिल्कुल आपका ख़राब नहीं होगा, जैसे आप रखेंगे बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो मैं आपको दोनों विधि बताऊंगी और इसके सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे अचार जो है आपका सुपर टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये अचार बनाने में कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 किलो कटहल लिया है जिसे मैंने छील के काट के धो लिया है। अब हमने यहाँ पे गैस में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इसमें एक एक करके कटहल को डाल देंगे। इकट्ठा हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो जो पानी के छींटे हैं वो हमारे ऊपर आ सकते हैं और हम जल सकते हैं। तो इसे डालने के बाद हम इसे ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे, वो भी हाई फ्लेम में। 10 मिनट से ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। दस मिनट हो चुके हैं तो अब हम कटहल को छान के बाहर निकालेंगे। सारी कटहल को हमने पानी से अलग कर लिया है और इसका जो पानी है पूरा छन चुका है, तो अब हम इसे सुखाएंगे। तो सुखाने के 2 तरीके हैं, अगर धूप हो तो आप इसे धूप में सुखा सकते हैं, पर इस समय जैसा कि बारिश का मौसम चल रहा है तो किसी दिन धूप निकलती है और किसी दिन नहीं निकलती है, तो आप इसे ऐसे चारपाई में भी सुखा सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस इसका जो थोड़ा सा पानी है वो बस सूख जाना चाहिए। तो मैं ये काम यहाँ पे रात में कर रही हूँ, तो इसे मैं पूरी रात ऐसे ही छोड़ दूँगी सूखने के लिए। अगर आप इसे धूप में सुखवाएं तो आप इसे 3 से 4 घंटे तक धूप में सुखवा सकते हैं, इतना इसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखवाना है, बस इसे हमको थोड़ा सा ही सुखवाना है ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए। अगर आप इस अचार को तुरंत खाना चाहते हैं तो कटहल को जो है आपको 10 मिनट के बजाय आपको 15 से 20 मिनट तक बॉईल करना होगा और इसी तरीके से थोड़ा सा ही सुखवाना होगा। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है 10 मिनट तक ही इसे बॉईल करना है। पंखे में सुखवाने के बाद अगर दूसरे दिन धूप निकलती है तो आप इसे धूप में भी आधे से 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, जैसा कि मैंने रखा हुआ था। दूसरे दिन धूप निकली हुई थी तो मैंने इसे थोड़ा सा रख दिया था धूप में सूखने के लिए। अब हमने यहाँ पे गैस में कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया था और अब यह गरम हो चुकी है, तो हम इसमें 1.5 कटोरी खड़ी धनिया डाल देंगे और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लगे। मसालों में अपना एक ऑयल होता है, जब हम इन्हें थोड़ा सा भूनते हैं तो इसका ऑयल जो है रिलीज होता है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो इसे हमें तभी तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, और हमें गैस का जो फ्लेम है उसे हाई रखना है। यहाँ पे धनिया की बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और इसका जो कलर है चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कटोरी जीरा डालेंगे और इसे भी हम खुशबू आने तक भून लेंगे। जीरा हमारा भून चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच सौंफ डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। सौंफ हमारी भून चुकी है तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। जीरा और धनिया हमने जो भुना था उसे हमने एक ही प्लेट में निकाला है, पर हम सौंफ को अलग प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच मेथी डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। मेथी हमारी भुन चुकी है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने जीरा और धनिया को रखा हुआ है। अब हम इसमें 2 चम्मच कलौंजी डाल देंगे।
इसे मैगरेल भी बोलते हैं और कई लोग तो इसे करायल भी बोलते हैं। करायल हमारा भुन चुका है तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे 20 से 25 लाल मिर्च लिया है जिसका हमने डंठल निकाल लिया है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसकी नमी ना निकल जाए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जो धनिया, जीरा और मेथी भूना था तो उसे मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। अब हमने यहाँ पे जो सौंफ भून के रखा हुआ था उसे हम थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा बचा के रखेंगे। करायल को भी हम इसमें नहीं डालेंगे, उसे भी हम बाद में डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन की कलियाँ डाल देंगे जो कि एक कटोरी से है थोड़ी कम, तो अपने हिसाब से लहसुन डाल सकते हैं। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिस चुका है तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल दरदरा पिसा हुआ है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ये दरदरा पिसा हुआ है। अब हमने यहाँ गैस में कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 300 ml सरसों का तेल डालेंगे। अचार बनाने के लिए आप सरसों के तेल का ही यूज करें, इससे ही हमारा अचार अच्छा बनता है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही गर्म करना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें हींग डाल देंगे। आप अचार में हींग का यूज ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार बनता है इससे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का जो फ्लेम है उसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, तो ये तेल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा तेल ठंडा होता है तो अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कटोरी राई दाना लिया है। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये पॉपिंग होना शुरू नहीं हो जाता। राई हमारी भून चुकी है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। राई हमारी ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा दरदरा तक ही पीसना है। बिल्कुल भी हमें इसे चिकना नहीं पीसना, बस इतना ही पीसना कि इसके जो है दो टुकड़े हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिस चुकी है, इसे बिल्कुल भी चिकना नहीं पीसना है, बहुत ज़्यादा दरदरा पीसना है। आप चाहें तो इसकी जगह येलो कलर की जो राई आती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस मसाले में कटहल को डाल देंगे जो हमने सुखवा के रखा हुआ है। अब हम मसाले में कटहल को डाल देंगे। तेल हमारा ठंडा हो चुका है तो अब हम अचार में इसको डाल देंगे। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप जो कच्चा आम होता है उसके पतले पतले पीसेस काट के इसमें डाल सकते हैं। अब हमने जो राई पीसा था उसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारे मसाले इसमें लग चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे करायल जो हमने भून के रखा हुआ था और हमने जो सौंफ बचा के रखी थी उसे भी डाल देंगे। अब हम इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अचार हमारा बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अगर आप इसे ऐसे ही खाना चाहते हैं, स्टोर नहीं करना चाहते, तो आप इसे ऐसे ही डिब्बे में भर सकते हैं।
पर अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपका जो अचार है सालों साल तक ख़राब नहीं होगा। जैसे आप भर के रखेंगे बिल्कुल वैसा ही आप पाएंगे। अचार को डिब्बे में भरते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हमें दबा दबा कर भरना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अचार को हमने भर लिया है। अगर आप अचार को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल फुल तक ना भरें, इसे थोड़ा सा खाली रखें। ये देखिए जैसा कि मैंने रखा हुआ है, 1 इंच के बराबर ये खाली है। तो हमें अब इस अचार को 1 साल तक स्टोर करके रखना है। तो अब हम इसमें इसके 1 इंच के नीचे तक सरसों का तेल डालेंगे, यानी जहाँ तक हमारा अचार है उससे थोड़ा सा 1 इंच नीचे तक हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तो आप चाहे सरसों का तेल ऐसे ही डाल सकते हैं या फिर उसे थोड़ा सा गर्म करके ठंडा करने के बाद डाल सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तेल डालने के बाद आप अचार को 2 दिन तक आधे घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं, उससे भी अचार हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से अगर आप अचार बना के स्टोर करेंगे तो आपका अचार 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपको मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।